हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, अनंत चतुर्थी कब है जाने गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हर साल गणपति धूमधाम से घर घर में विराजित होते हैं। दोस्तों दस दिन तक बप्पा की उपासना की जाती है। 31 अगस्त 2022 को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया गया। दोस्तों, अब भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल अनंत चतुर्थी तिथि 9 सितंबर 2022 को है। इस दिन भगवान गणेश को उत्साह के साथ विदा किया जाता है। शुभ मुहूर्त में उनकी प्रतिमा को जल में विसर्जन होता है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी तिथि भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त और क्यों किया जाता है गणपति विसर्जन। तो दोस्तों, यह जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, 10 दिवसीय महोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के बाद होता है। परंपरा के अनुसार नदी, तालाब या घर में ही जल में विसर्जित करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक गणपति जी महर्षि वेदव्यास के कहने पर महाभारत को सरल भाषा में लिपिबद्ध किया था। गणपति ने गणेश चतुर्थी से यह कार्य शुरू किया और बिना रुके 10 दिन तक लिखते रहे। दोस्तों, जब वेदव्यास जी ने आंखें खोली, जी हाँ दोस्तों, तो पाया कि गणेश जी के शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था। व्यास जी ने गणेश जी के जल में डुबकी लगवाई। इस तरह उनके शरीर को शीतल किया। मान्यता के अनुसार तब से ही अनंत चतुर्दशी पर गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 सितंबर 2022 गुरुवार को रात 9:02 पर आरंभ होगी। अगले दिन 9 सितंबर 2022 शुक्रवार को शाम 6:07 पर इसका समापन होगा। तो दोस्तों, गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से लेकर 10:44 तक रहेगा। और दोस्तों, दोपहर का गणेश विसर्जन का मुहूर्त 12:18 से लेकर 1:52 तक रहेगा। और दोस्तों, शाम का गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 5 से लेकर 6:31 तक रहेगा। दोस्तों, इस तरह ये शुभ मुहूर्त पर गणेश विसर्जन अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, इस तरह शुभ मुहूर्त पे विसर्जन करने से आपको गणेश की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में ओम गणपति नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।